इस्लामिक में बच्चों कैसे हैं आप सब? आपने पहले सबक की प्रैक्टिस की जिसमें हमने आपको पैटर्न्स बनाना सिखाए थे। उनकी प्रैक्टिस से आपको यकीनन अब पेंसिल पे ग्रिप करना आ गई होगी। उनका फ़ायदा ही होता है कि आप पेंसिल पे ग्रिप करना सीखते हैं। तो आज हम हरूफ तहजी का पहला लफ्ज़ अलिफ सीखेंगे। अलिफ, ये क्या लफ्ज़ है? अलिफ, हरूफ तहजी का पहला लफ्ज़ क्या है? अलिफ। अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंगूर। अलिफ ऐसे सीधा जैसे वन होता है उस तरह से होता है, और ये बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है। अलिफ से अंगूर। अब हम पढ़ेंगे अलिफ से क्या क्या बनता है, ठीक है? ये है हमारी रीडिंग बुक जिसका नाम है हरूफ तहजी। पढ़िए, लिखिए और रंग भरिए। अब यहाँ देखें, ये सारे क्या हैं हमारे पास? सारे के सारे हरूफ तहजी हैं, जिसमें हरूफ तहजी में पहला हर्फ हमारे पास क्या है? अलिफ। ये है हमारे पास हरूफ तहजी जिसमें पहला हर्फ है अलिफ। क्या है? अलिफ। अब हम देखते हैं कि अलिफ से हमारे पास और कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंगूर। ये क्या है बच्चों? अलिफ से अंगूर, ठीक है? अब हम देखते हैं कि अलिफ से और कौन से अल्फाज बनते हैं या और कौन सी चीज़ें हमें बनाना आती हैं। अलिफ से अनार, खाते हैं ना आप सब मज़े मज़े का? अलिफ से अनार, अलिफ से अखबार, घर में पढ़ते हैं ना अबू? अलिफ से अखबार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंडा, अलिफ से स्त्री, अलिफ से स्त्री। बच्चों अब आपने सीख लिया कि अलिफ क्या होता है और अलिफ से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। अब हम अलिफ को लिखने की मशक करेंगे। आपने पेंसिल लेनी है जिस तरह मैंने आपको कल बताया था। पेंसिल को आपने तीन उंगलियों में पकड़ा और आहिस्ता से यहाँ पर इस लाइन पे आपने पेंसिल फेरनी है। अलिफ से अंगूर, और साथ साथ ज़ुबानी आपने बोलना भी है बुलंद आवाज़ में। अलिफ से अंगूर, 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 अलिफ से अंगूर। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब आपने क्या करना है कि ये सारा और ये पेज आपने खुद से लिखना है, ठीक है? इस तरह पेंसिल से आपने खुद मश्क करनी है लिखने की, ताकि आपको अच्छी तरह से अलिफ लिखना और पढ़ना आ जाए। और ये जो खाली जगह दी हुई है अंगूर, यहाँ पर इसी तरह का कलर आपने करना है, ठीक है? ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर आपने यहाँ पर करना है, और इस अलिफ में भी आपने अपनी पसंद का रंग भरना है। ये हमारे पास उर्दू लिखाई की किताब, अलिफ बे पे मैं लिख सकता हूँ। इसको हम खोलेंगे, जिसमें कल आपने पैटर्न की मश्क की थी। सफ़ा नंबर 6, सफ़ा नंबर 6। अलिफ से अंगूर, दोबारा से दोहराई करते हैं, अलिफ से अंगूर। अब हम इस पे लिखना सीखेंगे कि अलिफ लिखते किस तरह से। यहाँ ये आप देख रहे हैं, आपको छोटा सा एक नुक्ता नज़र आ रहा है। इस नुक्ते को हम क्या कहते हैं? नुक्ता है आगाज़। अब नुक्ता आगाज़ से आपने अपनी पेंसिल रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ फेरनी है। दोबारा देखें, नुक्ता आगाज़ से पेंसिल लेकर ऊपर से नीचे की तरफ लानी है। नुक्ता आगाज़ से ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या बन गया? अलिफ। नुक्ता आगाज़ से शुरू करेंगे, नुक्ता आगाज़ से शुरू करेंगे अलिफ। नुक्ता आगाज़ से शुरू किया ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या बन गया? अलिफ। प्यारे बच्चों, आपने घर पे ये जो बाकी चार लाइनें हैं इनका काम करके और दोनों बुक्स पे प्रैक्टिस करके हमें एक वीडियो क्लिप बना के भेजना है। शुक्रिया।